अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों को राउंड शॉक टॉप बनाना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्रिप्शन बटन को ज़रूर दबा दीजिए और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यॉक की कटिंग करने लगी हूँ। ये 10 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। ये डबलिंग में कपड़ा है, यानी कि फ्रंट और बैक साइड दोनों के लिए 10 इंच मैंने लेंथ रखी है और विड्थ मैंने इसकी 20 इंच रखूँगी। शोल्डर की जो लेंथ है मेरी वो 14 है, 1 इंच मार्जिन के लिए होगा और 5 इंच जो है वो मैंने एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि राउंड योक में हमने 5 to 6 इंचज़ जो है वो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है ताकि गिरता हुआ शोल्डर आए। तो देखें, लेंथ इसकी 10 है और विड्थ मैंने 20 ली है। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे और जो इसका सेंट्रल पॉइंट है वहां से हम रख के तो ये सर्कल ड्रा करते रहेंगे। देखें, 10 इंच चूँकि मेरी लेंथ है तो मैंने 10 को ही सेंट्रल पॉइंट पे रखा हुआ है और इसको ध्यान से मूव करते जाएंगे कि हमारा कम या ज़्यादा ना हो कहीं से। इन डॉट्स को आपस में मिला लेंगे और कटिंग कर लेते हैं। आप अपने शोल्डर के हिसाब से जो है आपको भी 5 to 6 इंच जो है इसको एक्स्ट्रा ही रखना होगा, चाहे आपकी 15 है या 16, जितनी भी लेंथ हो शोल्डर्स की विड्थ। अच्छा, अब इसको 1/2 इंच पे मैं इसका निशान लगा रही हूँ और 3.5 इंच इधर से, तो ऊपर से थोड़ी सी राउंड इसको शेप देके तो हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये एक्चुअली मैं बैक साइड के बैन के लिए इसकी कटिंग कर रही हूँ, लेकिन दोनों पार्ट हैं, फ्रंट और बैक दोनों की अभी मैंने ये कटिंग कर दी है। अब मैं ये सिर्फ एक हिस्सा कट कर रही हूँ, फ्रंट वाला। ये दोनों हिस्से कट नहीं कर देने, मैं फ्रंट ओपन रखूँगी योक का, तो इसलिए ये देखिए मैंने फ्रंट साइड जो है इसकी ओपन रख दी है। अब मुझे फ्रंट के कॉलर के लिए इसकी कटिंग करनी होगी कि कितने हम डीप करना चाह रहे हैं। ये मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। यहाँ पे पहले मैंने 2 रखा था लेकिन वो कम था, बाद में मुझे 1/2 इंच मज़ीद कटिंग करना पड़ा, तो ये 2.5 जो है वो आप 2.5 कर लें। 1/2 इंच पहले ही हमारी कटिंग हो चुकी है और 2.5 ये, तो टोटल ये 3 इंच की जो है वो ये डीप कटिंग है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से बैन के लिए हमारी कटिंग हो चुकी है फ्रंट की। अब हमने इस योक को 3 बराबर हिस्सों में फोल्ड करना है। ये देखें, 3 बराबर हिस्सों में फोल्ड करने के बाद जहाँ पे ये एक हिस्सा इसका बन रहा है वहाँ पे हम इसको मार्क कर लेंगे और ओपन करने के बाद जहाँ पे ये मार्क किया है वहाँ से 1/2 से 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्क करना है और यहाँ पे इसको छोटा सा कट लगा लेंगे। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारा शोल्डर में आएगा और नीचे वाला जो है वो हमारी टॉप के निचले वाले हिस्से के साथ अटैच होगा। अच्छा, मैं टॉप की नीचे से कटिंग करने लगी हूँ। देखते हैं कितनी लेंथ है। 30 जो है वो मैंने इसकी लेंथ ली है और विड्थ जो है मेरे पास इस कपड़े की वो 16.5 थी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो आप इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं, वो आपकी चुंटों पे फिर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा उसका गिराव होगा उतनी ज़्यादा चुंटें आएंगी। अच्छा, अब ये स्लीव्स का है। स्लीव्स मैंने 21 रखे हैं, ये रेडी होने के बाद 19 आएंगे और 10 मैंने इसकी विड्थ रखी है। अब मैं बाहर वाली साइड पे इस तरह कपड़े के ऊपर, फ्रंट और बैक के कपड़े के ऊपर इसी तरह स्लीव्स को रख लूँगी। अंदर वाली साइड पे, यानी कि सेंटर वाली साइड पे नहीं बिछाना, बाहर वाली साइड पे, और इस तरह ऊपर जॉक को रख लेंगे।
योक को किस तरह से सेट करना है, कहाँ पे रख के, ये मैं अभी आपको मेयरमेंट्स करके इसकी बताती हूँ। ये इसको मैं 4.5 पे, 4 या इसको 4.5 इंच पे ऊपर की तरफ से निशान लगाना है और नीचे की तरफ से 6 इंच पे इसको निशान लगाएंगे। जहाँ पे अब हमने 4.5 इंच का निशान लगाया, वहाँ से हमने योक को जहाँ पे हमने कट लगाया था वो वाला किनारा रखना है। और ये 3.5 इंच जो है हमने टॉप के ऊपर इसको नीचे गहराई की तरफ, जैसे ये मैंने रखा है इस तरह से रखना है। अब 4.5 इंच वाला और 6 इंच वाले निशान को हम आपस में मिला देंगे और ये कटिंग कर लेंगे। ये हमने स्लीव्स की और जो टॉप का फ्रंट एंड बैक था दोनों की ये कटिंग की है। अच्छा, मैंने इसको योक को ऊपर किया, ये देखें 3.5 इंच है ये। तो अब हमने ये इसको 3.5 इंच यहाँ पे मार्क करना है नीचे फ्रंट और बैक पे। और हमने इसको सर्कल शेप दे लेनी है, सर्कुलर शेप हम देते जाएंगे और इसकी यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। अच्छा, ये हम रेडी कुछ इस तरह से होगा। हम मैं दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये पार्ट चुनने हैं। स्लीव जो हैं वो हमारे इस तरह से एडजस्ट होंगे इसके साथ है। और ऊपर जाक और जो एक्स्ट्रा कपड़ा सेंटर में ये बचा हुआ है इसके हम चुनट डालेंगे। तो ये हमारी जो है टॉप की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। मैंने इसके स्लीव्स की वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से देख सकते हैं बाजू हमने किस तरह से तैयार किए हैं। अब मैं जस्ट बाजू यहाँ पे आपको अटैच करके दिखाने लगी हूँ कि किस तरह से इनको अटैच करना है। ये देखें स्लीव्स ऑलरेडी रेडी हैं और इसका योक जो है नेक वो भी मैंने रेडी किया हुआ है। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। वीडियो बहुत लेंथी होती है अगर मैं सारा इकट्ठा बनाती, इसलिए मैंने इसको अलग अलग पार्ट्स में बना दिया। अच्छा, अब हम ऊपर वाले जो है इसको एक साइड ऊपर कर लेंगे इसकी, ये स्लीव का एक ये जो है ये बैक साइड पे जुड़ेगा और एक जो है इसका ये हिस्सा ये फ्रंट साइड पे जुड़ेगा। तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं। बैक साइड के कपड़े को मैंने नीचे रखा और स्लीव के एक पार्ट को मैंने रखा ऊपर और इस तरह से जोड़ दिया। इसी तरह अब फ्रंट साइड के जो हिस्सा है उसको रखा और उसके ऊपर स्लीव को जोड़ दिया। एक जो है वो हमारा जुड़ चुका है शोल्डर। इसी तरह अब हम ये दूसरे वाले को भी जोड़ लेंगे। इसके बाद अब हम नेक को जोड़ेंगे। ये देखें स्लीव जुड़ चुके हैं, अब हम नेक को जोड़ेंगे। ये मैं एडजस्ट करके आपको पहले बताती हूँ। ये जो हमारी सिलाई है ये जो हमने कट लगाया था उसके बिल्कुल बराबर आना चाहिए। इसके अलावा ये मैंने कुछ मार्क्स और कर लिए हैं, ये निशान लगा लिए हैं ताकि हमें बाद में कम या ज़्यादा ना हो। जहाँ जहाँ पे निशान लगाए हैं हमने दोनों कपड़ों पर, निचले कपड़े पर भी लगाए हैं योक पर भी और नीचे टॉप पर भी, मैंने दोनों जगह पर निशान लगाए हैं कि ये हमारे इन निशानों के बराबर आने चाहिए। और ये जो अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इस तरह से हम इसके साथ चुनटे डालेंगे। मेरे पास कपड़े का घेराव बहुत ज़्यादा नहीं था इसलिए मैं जस्ट इसको फ्रंट पे चुनटे दे रही हूँ। अगर आपके पास कपड़े का घेराव ज़्यादा हो तो आप शोल्डर से लेके नीचे तक सारी चुनटे दे सकते हैं। ये मैं पहले इसकी इनको चुनट दूँगी। अच्छा, कॉम के साथ मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि इससे मुझे काफ़ी आसानी रहती है, हाथ से भी दे सकते हैं। ये मैं कुछ आपको हाथ से भी दे के दिखा रही हूँ और कुछ कॉम के साथ। आपको चुनट देने से पहले सारी इसकी पैमाइश करना होगी ताकि जो है हमारा योक या फिर नीचे टॉप के लेंथ वगैरह में कोई कपड़ा ना एक्स्ट्रा बचे ना कम हो। ये इस तरह से मैंने चुनट इसको दे ली है, बैक साइड पे भी इसी तरह से दे लेंगे। अब मैं ये शोल्डर से जोड़ना स्टार्ट करने लगी हूँ, शोल्डर के सेंटर से, टॉप से ऊपर। शोल्डर के टॉप से मैं इसको जोड़ रही हूँ। ये देखें इस सिलाई के साथ ये वाला कट आ रहा है जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था।
ये देखें ये दोनों निशान भी आपस में, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको एक और चुनर दे लूँगी। इसी तरह हम योक को टॉप की फ्रंट एंड बैक के साथ जोड़ते जाएंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, आपको ये सारे निशान पहले से लगाने होंगे ताकि आपके टॉप का कपड़ा एक्स्ट्रा ना बचे या ज़्यादा चुनर डाल के कम ना हो जाए। तो ये मैंने थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे निशान लगाए हुए हैं, ये देखें बस हमारा जो है ये योक वो उसके साथ जुड़ने ही वाला है। देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है और हमारा बिल्कुल ये कंप्लीट आया है, ये इस तरह से ये जुड़ चुका है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है ये। अब हम इसके अंदर वाली सिलाई लगाते हैं। मैंने 4 इंच जो हैं वो खुले स्लीव रखे हैं आगे से कफ से, और ये मैं इसके साथ साथ इस तरह से सिलाई लगाती जाऊँगी। एल्बो से आके हमने इसको थोड़ा टर्न देना होगा और ये 1-1 इंच के फासले पे हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसकी नीचे से फोल्डिंग कर चुकी हूँ, आप अगर चाहें तो फैशन पट्टी लगा सकते हैं या फोल्डिंग के लिए अलग से कपड़ा भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर से ही ये अटैच किया है। ये रेडी होने के बाद 34 इंचेस जो है वो इसकी लेंथ है मेरे पास ये टॉप की। इसी तरह से ये मैं दूसरी साइड की भी सिलाई लगा रही हूँ। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छा हम ये मैं पॉकेट रेडी करने लगी हूँ। पॉकेट के लिए ये पहले मैंने न्यूज़पेपर पे कटिंग कर ली है कि मुझे किस शेप की चाहिए। विड्थ मैंने उसकी 8 रखी है और लेंथ जो है वो 6.5। नीचे से मैंने ये इसको राउंड शेप दिया है तो मैंने पिन अप कर लिया है इसको कपड़े के ऊपर, और जिस शेप का न्यूज़पेपर कटा हुआ है उसी शेप का हम जो है कपड़े को कट कर लेंगे। अब पिन्स रिमूव करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से है हमारे पास ये फैब्रिक। तो अब हमने इसके अंदर चुनट देनी है। अच्छा ये मैंने चुनट दे ली है, 5 चुनट दी हैं क्योंकि मुझे इसकी विड्थ चाहिए थी 5, तो मैंने 8 रखी थी विड्थ तो चुनट देने के बाद 5 रह गई। अब इसी तरह मैंने ये पट्टी तैयार की है जो बाजुओं पे भी लगाई थी और गले पे भी, तो इस तरह हम इसको साथ अटैच करके ऊपर वाली साइड पे फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको ये अटैच करके दिखाती हूँ। अच्छा ये पट्टी किस तरह से रेडी की है ये आपको गले वाली और स्लीव्स वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि इसको किस तरह से रेडी किया है। इसको इस तरह फोल्ड करने के बाद ऊपर सिलाई लगा देंगे, और जो मैंने गले पे और बाजुओं पे पत्तियाँ लगाई हैं फैब्रिक वाली वो भी किस तरह से मैंने उनको कटिंग किया है, किस तरह से बनाई हैं वो भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगी। अच्छा अब इसको मैं फिर उसी न्यूज़पेपर के ऊपर जो है पिंस के साथ अटैच कर दूंगी ताकि हमारी शेप जो है वो हिले नहीं जब हमने इसको रेडी करने के बाद अपने टॉप के साथ इसको फिक्स करना है। तो ये तरीका मुझे काफ़ी आसान लगता है इस तरह से पॉकेट बनाने का कि पहले उसको न्यूज़पेपर के ऊपर बना लो फिर अटैच करो। अच्छा ये मैंने एक्स्ट्रा का जो न्यूज़पेपर है कट कर दिया, ये देखें इस तरह से कुछ हमारे पास ये शेप आ रही है। अब ये मैंने थोड़ी चौड़ी वाली पाइपिंग बनाई है, 1 इंच जो है मैंने ये पट्टी ली है और मैंने इस तरह से इसको दोनों तरफ से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है, और ये जो इसका इधर वाला किनारा है इसको पहले मैंने अंदर की तरफ से सिलाई लगाने के बाद ऐसे बाहर की तरफ इसको पलट लिया है। अब यहाँ पे स्टार्ट से इसको रख के इस तरह से तो यहाँ पे हम इसको सिलाई करते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने किस तरह से इसको सिलाई किया है, ये आपको एहतियात के साथ करना होगा, पिंस को रिमूव करते जाएं।
जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वो चाहे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस पट्टी को बढ़ा लें ताकि आपकी सिलाई जो है वो नीचे ना हो, निचले वाला कपड़ा भी सिलाई के अंदर ही आए। पिंस को रिमूव करते जाएंगे साथ साथ और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अच्छा, ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई है, ये देखें। अब हम मैंने ये टॉप को रख लिया है, इसके ऊपर इसको एडजस्ट करके तो निशान लगा लेते हैं कि हमने इसको कहाँ पे फिक्स करना है। आप अगर चाहें तो पिंस के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं। मैंने इसको चौक के साथ, ये थोड़ा क्लोजअप दिखा देती हूँ, चौक के साथ मैंने निशान लगा लिए हैं। इसी तरह हम सारी पॉकेट को अटैच कर लेंगे। ये माशाल्लाह हमारा बहुत ही खूबसूरत जो है टॉप तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ पूछना हो, किसी बात की समझ ना आए तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन कर दूँ। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।